हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का सैम्पल क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। सैम्पल क्वेश्चन 1 में गिवन है कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है कि फॉल्स है, और साथ में ही हमें उसको जस्टिफाई भी करना है, मींस उसका रीज़न भी देना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 1/√5 x^(1/2) प्लस 1 इज अ पॉलीनोमियल। तो हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलीनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है 1/√5 x^(1/2) + 1। देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स की जो कोफिशियंट्स हैं उससे हमें मतलब नहीं है, उससे हम वो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम क्या करेंगे, जो हमें वेरिएबल गिवन है जैसे यहाँ पे x गिवन है, इसकी पावर क्या है उसकी पावर हम चेक करेंगे, यानी कि उसका एक्सपोनेंट हम चेक करेंगे। यहाँ पे इसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, एंड 1/2 होल नंबर नहीं होता है, तो इट मीन्स ये पॉलीनोमियल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, सेकेंड पार्ट हमें गिवेन है 6√x + x^3/2/√x। ठीक है, इज अ पॉलीनोमियल इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें रूट एक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स है, और यहाँ पे x^3/2 है। बट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ओके, ऐसे ही हम नहीं बता देंगे कि यहाँ पे ये रूट में है, यहाँ पे ये रूट में है, एंड यहाँ पे 3/3/2 है, तो इट मीन्स ये एक पॉलीनोमियल नहीं है। नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स जो है इसका भी डिनोमिनेटर है एंड इसका भी डिनोमिनेटर है। ओके, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 6√x/√x हो गया प्लस x^3/2/√x। ओके, तो यहाँ पे रूट एक्स एंड रूट एक्स दोनों ही रूट में है, सेम नंबर है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। एंड जो सेकेंड टर्म हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x^ यहाँ पे 3/2 है। ओके, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x^1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो 6 प्लस, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो x^3/2 − 1/2 करेंगे, इट मीन 6 प्लस x^ क्या हो जाएगी, 2/2। 2/2 मीन्स 6 प्लस x^1 हो जाएगी। इट मीन्स 1 क्या है, यहाँ पे होल नंबर है, जो वेरिएबल है इसकी पावर हमें होल नंबर में मिल रही है। ठीक है, इट मीन्स ये यहाँ पे पॉलीनोमियल होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। ओके, तो पहले इसीलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हम एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम ये बताएंगे उसको सिंप्लीफाई करने पे जो हमें आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो पॉलीनोमियल है कि नहीं है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।